नॉट बी स्कैलर। कितनों की लव स्टोरी यहां केसरिया तेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेगी डीजी व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हम उठ चुके हैं और आज है शादी का मेन इवेंट, जिसमें हम जाएंगे बारात लेके और साथ में रात को है रिसेप्शन। तो करता हूँ मैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ये लो जी, उज्जवल भाई मेरी वीडियो आप पीछे से खराब कर रहे थे थोड़े ऐसे ऐसे। यार मामा जाना, वो नहीं रहता यार। चलो क्या बात है, पग पहन के भाई आज बहुत स्मार्ट लग रहा है उज्जवल। नाइस यार, चलो आप हमें और अंजना को जी। लो जी, क्या बात है भाई, मैचिंग लग रहे हो ना। क्या भाई, मैचिंग है भाई, देखना तेरे कुर्ते का कलर भाभी जी के गाउन का कलर। क्या बात है भाई, जच रहे हो दोनों भाई। सही बात है भाई, फाड़ दो कमेंट सेक्शन में, फाड़ दो बताओ ताकि भाई। सीरियसली भाई, बहुत बढ़िया भाई, जच रहे हो दोनों। चल भाई, हाँ भूतिया नानी है। गुड मॉर्निंग नानी, कैसे लग रहे हम? कैसे लग रहे हैं? हमारे लाटसू है ये तो आज। नहीं नहीं भाई, तो मेरे को खड़ी खड़ी लेना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, लाटसू भाई का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे लाटसू आज के शिवम भाई है और दिल लगी कुड़ी पंजाब दी। तो भाई जी, अप्पा पहन लिया जी पग, हुण अपने अंदर आ गया पंजाबी मुंडा। क्या बात है, किवें लग रहा हूं उज्जू भाई? बहुत वधिया, बहुत वधिया पाजी। अब ये देखो, मैं और तू दोनों ही भाई पग वाले बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। कर रहे हैं बढ़िया वाली, पूरी पूरी भाई, एक नंबर भाई। मैं तो, मैं जो ये चश्मे है ना, मेरे को एलियन जैसी फील दे रहा है थोड़ी। मेरे को बढ़िया लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया भाई, तू भी अच्छा लग रहा है, मैं भी अच्छा लग रहा हूं। लगने चाहिए ना भाई, दूल्हे के भाई है। शाबाश बल्ले। अभी हम थोड़ा सा बाहर आए हैं, ब्रेकफास्ट भी करना है हमने और एक आधा फोटो शूट भी करना है। सज चुकी है। ओहो हेलो, गाड़ियां देखिए गाइस, ये उज्जवल की गाड़ी जो सज चुकी है, मतलब लाइन में सजी है सारी गाड़ियां। मेरे वाली उधर है। अच्छा, स्टिकर भी लग गया, वाह। जरा स्टिकर देखते एक बार कैसे लग रहे हैं। एक तो ये जीजू की गाड़ी है, अक्षय वेड स्नेहा। क्या बात है, टिकी डीजी व्लॉग्स के साथ अक्षय वेड स्नेहा, अच्छा लग रहा है। और साथ में गुलदस्ता आगे लगा है। हाँ जी, लगा हुआ है। चलो बढ़िया। ये जी हमारे दूल्हे राजा की गाड़ी। तो गाइज, अपनी प्लेट सज चुकी है और ये चाय पे धावा बोल रहा है मेरी। कोई नहीं, दोनों मिलके पिएंगे। तीन ब्यूटीज, क्या बात है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एक तो बहुत ही ज्यादा जवान लग रही है, स्कूल टाइम्स में पहुंच गई मासी तो। आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो? हम नहीं कर रहे, इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मेरा तो क्या है डाउट। नहीं नहीं, क्यों नहीं कर रहे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप, मान गया यार, मतलब बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस, बारात निकलने के लिए तैयार हो चुकी है और अपने दूल्हे राजा साहब आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। क्या बात है, क्या बात है। जाओ भाई, पटाखा लगाया तो है, फट नहीं रहा। ओ शुभारंभ हो गया है।
तो जी दूल्हे की गाड़ी निकल पड़ी है और इनके पीछे हम भी निकलेंगे धीरे धीरे। और ये लाटसू हमारे शिवम भाई है यहाँ पे। तो इस गाड़ी में मैं, पापा और अंजना जा रहे हैं। तो गाइस गाड़ियाँ रुक गई, अब एक बार ना सबको आने का वेट कर रहे हैं, पीछे तक अपनी गाड़ियाँ लगी। ओ की गल हो गई, ना चले थोड़ा। तुसी साडी नानी नु नींद लगवा दी। नींद है, मैं रेस्ट करने दो। हां ओपनिंग मैंने करी है, देख लो। बस यार बड़े स्लो चल रहे हैं सब। क्या अरे भाई इतना, मैं तो बोर हो गया। मेरे को है ना, मेरे को खुद यार वो परांठे जो खाए ना मैंने और तूने, बढ़ गए भाई, हैवी बढ़ गए। आप उठा दो हमें जल्दी से, ताकि वहाँ थोड़ा भाई रेस्ट कर सके, वरना कुछ नहीं होना। क्योंकि देख झूला तो वहाँ मंडप पे बैठा रहेगा, हमारा कुछ काम हमारा बस पहले स्टार्टिंग में काम है कि हमें जूते बचाने हैं झूले के, बस उसके अलावा कुछ नहीं। इंतजार कर रहे हो, चल पड़ते हैं। परे चलो भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक दो। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ जी नाटी, चलो जी अब डांस शुरू हो गया है। तो मैं अंजना ज्वाइन अस, अब सब डांस कर रहे। तो ये भाई फुल्ली एयर कंडीशन, ताकि डांस भी कर पाए। पापा को ना जाना पड़ा इमरजेंसी में, उनको बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम था, दिल्ली जाना पड़ा, तो वो चले गए। क्योंकि बारात होगी काफी लेट, दो यहीं पे बच गए हैं, तो पापा ने अटेंड करना था। तो मतलब हमें उम्मीद थी कि पापा इस टाइम तक फ्री हो जाएंगे, पर यहाँ पे मतलब पहुँचने में हमें इतना टाइम लग गया। शादी शुदी इन सब चीज़ों में बहुत बोर हो जाते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं उनको मिक्सअप करने की, बट पापा को नहीं, सब मम्मी के जाने के बाद सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मेरी शादी में भी इतने ब्लॉग्स में कहा है वो, उसमें तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, अब थोड़ा ऐसे हो गया है। तो पापा ने, मैं तो पापा कोई बात नहीं, आप अपने काम ही निपटा लो। हाँ तो फिर हमने कहा कि पापा कोई बात नहीं, आप जाओ काम निपटा दो, क्योंकि इम्पोर्टेंट काम है। तो ओ भाई पटाखा फटा मेरी इस गाड़ी में यार। अरे वो फटा होगा ना, ऊपर शॉर्ट्स चल रहे हैं ना, और लोकेशन पे पहुंच गए, फुल पावर माहौल बन चुका है। अब गाड़ियां लगानी है हमने, और फिर अपनी बारात जाएगी अंदर। तो यहां पे हो रही है शादी, ये जो पटाखे फट रहे हैं, ये लो जी इंतज़ार हो रहा है हमारा कोट खाई के अंदर। और जी अब गाड़ी लगाते हैं पहले। मासी तैयार हो? बिल्कुल। चलो जी बारात के लिए अब हम रेडी है, अपनी पूरी टीम। चलो भाई मॉल बढ़ाओ मॉल। Thank you.
एंट्री हो चुकी है गाइस, स्वागत हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होना है। वाह शीशा, नाइस। पग ठीक है ना? ठीक है पग। क्या कैच! चलो वरमाला का टाइम। ये राइट की तरफ है। चीज बचा के रखी है मैंने, बिल्कुल अपनी पकड़ी खोल दी चीज के लिए। से मत बताना स्कीम। हम जाते हैं ना लाटसू के भी सेव रहे। क्या भाई, जूता बचाने का लिया हमने जिम्मा देव भूमि। अक्षय भाई के जूते देखो जी, संभाल के हम ले आए। छुपा दे। ये अपने लाटसू के भी हो गया। बढ़िया बढ़िया हो गया, सेव बच गए हम भाई। एक चीज में तो कामयाब रहे, एक में नहीं हो पाए, एक में तो हो गए। एक में हो गए। All credits to goes to me and मामा जी, उज्जवल भाई। सही बात है, हमने पूरा काम निभाया अच्छे से। मजा आ गया बस। ये छोटी छोटी चीजें ही ना बन गई है। वही दीदी शादी मैंने और तू नहीं क्या? एक जूता हमने चुराया था। सही बात है भाई, छुपा के रखा था हमने बड़े से। यार इसकी जोड़ी परफेक्ट है ना के लिए भाई। अक्षय भाई से पार्टी जरूर लेके शीश दिया हम। सही बात है, जय आके पैसे बचाए हमने, है ना? सही बात है, जितने उनको फालियों को देने पड़ने थे ना, वो अब हमारे को देंगे। देखो वरना हम जूते नहीं देंगे। नंगे पांव चलो। तो चलते अब ऊपर। हाँ भाई, तो भाई थोड़े स्नैक्स करने आए हैं। रुकता भाई का मन कर गया गोलगप्पे खाने का, मैं मना नहीं कर पाया इनको। मैं कहा चलो खा लेते हैं। कैसे है रुकता जी गोलगप्पे? एक नंबर है। अच्छा जी, फिर तो टेस्ट करना बनता है। एक नंबर। तो गाइस ये अपना आज का लंच। हाँ जी, भूख लगी है? साफ हो जाएगा, ये बंदा आ रहा है साफ करने। भाई को भूल गया गाइस इस बार, वरना भी और ये हर मील एक साथ खा रहे थे। तो मैंने कहा खाया, मैंने शुरू कहा किया। देख गप्पे खा लिए तूने अकेले। अरे रुकता भाई मानते गाइस, देखो पता है ना, ये देख पीछे खड़ा है बंदा। मेरे को यहां चुभी है तो धोखेबाज यही है। हां तो मेरा तो मूड ही था यार। मूड तो तेरा बेटा बहुत होता है खाने के बाद। खाना पीना इज डन, मजा आ गया खा के। इट वाज मतलब ना फुल पावर खाया और बढ़िया खाना था। फेरे हो गए? हो रहे फेरे। चलो फिर तो हम साक्षात टाइम पे आ गया। चलो तो दूल्हा राजा के फेरे शुरू हो गए। लाटसू भाई ध्यान रख रहे पीछे से,
तलवार वगैरह पास कर रहे हैं। देख तलवार छोड़ नहीं रहा लाटसू भाई, डेडिकेशन ये बनती है। शिवी भाई कैसे लग रहा है इधर लाटसू? एक बात बताऊंगा गाइस, इनका हाँ। कोई रोल नहीं शादी में, ये सिर्फ मजे करने आए हैं। भाई थक गया आज यार। क्या थक, क्या काम किया तुमने? कुछ नहीं किया तब भी थक गया। तो भाई ने वो तलवार दी है वो बहुत बड़ा काम है। मैंने कल से लेकर कितने काम किए? ये बोल रहा मैं बहुत थक गया, सिर्फ यहाँ बैठ बैठ। मैं नहीं थका। देखो स्नैक्स पहुँचाए हमने, ऐसा तो नहीं है। लाटसू नाचता नहीं है ना जितना हम नाचे ना। भाई साहब बच जाओ, बच सकते हो भाई जी, भाग जाओ, भाग जाओ, मौका है, आखिरी फेरा, आखिरी फेरा है, आखिरी फेरा भाई जी, चलान आगरी फेरा। चलो माफ कर दो भाई को, माफ कर दो, 50% में कर दो, छूट दे दो थोड़ा भाई, अपने अपने कोट खाई आ रहे भाई, माफ कर दो। चलो 500 रकम बतानी कभी, उनकी रकम सुनने दो कितने डाउन ये है भाई असली बंदा। लास्ट बताओ, लास्ट 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 बताओ। सही 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 सही, पैसे 10 रुपए का नोट दे दे इनको। हाँ कम हो जाएगा, ज्यादा ही कम हो जाएगा, ये नहीं मानेंगे। 20 का नोट 20 का नोट, 10 से बात नहीं हुई, एक और 10 ले लो। मांग भरी जा रही है यार, अपना सरदा लो नहीं भैया। फाइनली अब सिंगल से डबल हो चुके हैं, फाइनली दूल्हा हलाल है। कहाँ से ले आई तू ये? क्या बात है यार, यहाँ पे फेरे चल रहे हैं और यहाँ पे इनका आज ही शादी के लड्डू। मुंह मीठा कर लो थोड़ा थोड़ा, अक्षय भाई अपने थोड़ा सा खा ले खुशी में। शादी मुबारक गाइस, शादी मुबारक, शादी मुबारक। इन्हें शादी नहीं की ना उनके लिए। मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो भाई, शादी हो गई है। शादी का लड्डू सब हमने खाया। इस कुछ टाइम में सनसेट होने वाला है और ऑलमोस्ट वेदी भी निपट चुकी है। मैरिज कंप्लीट, हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली मैरिड। भाभी जी कांग्रेचुलेशन, अब अपनी फैमिली मेंबर हो गया। मार्गो दुल्हे राजा, क्या हो गया रो क्यों? मत हो यार, पर तू क्यों हो रहा है? मेरा भाई भी हो रहा है। कोई नहीं, प्यार उतना ही रहेगा। नानी जी क्या बात है, मुबारक मुबारक। इमोशनल मोमेंट हो गया थोड़ा यार, फैमिली के लिए खुशी की बात है। अब जूते ले चलते हैं। चल भाई ये वाले है, हाँ ये वाले किसके? अरे ऐसे ही ले चलते हैं अब तो, हाथ में ये है यार, छुपा के ले जाए। अब नहीं ले ही चलते यार, क्या भरोसा, कहीं छीन ले हैं क्या बोलते हैं यार, फिर ये चकना पड़ेगा। कुछ नहीं, हाथ में ले चलते हैं। अब तो शादी होगी है भाई की। ये दूल्हे के जूते, ये लाटसू के जूते, ये भाई हमने छुपा दिए थे। देखो साहिल की 2 मिनट पकड़ियो। हाँ तो ये दोनों जूते देख लो आप, हमने दोनों संभाल के रखे थे, तो अब सारी फंक्शन निपट गई है। इट वॉज सो नाइस, इट वॉज सो इमोशनल इन द एंड। सही बात, मतलब ना ऐसा था कि सबके आंखों में आंसू थे लिटरली, मतलब रोके गए आंसू ना, मतलब कि वापस जाने ही रोना है। बिल्कुल, और बोल नहीं होता इसी टाइम पे ना, एक तो आपका अलग ही एक जोन होता है यार, क्योंकि याद आती है यार, बहुत आती है यार, क्यों नहीं यार, मतलब। और मैं इस टाइम पे सच बोलूं कि मम्मी को ही बहुत मिस कर रहा था मैं, सच बोलूं नहीं कर रहा था, सच बताऊं मैं खुद कर रहा था, मतलब कि अगर मम्मा होते ना तो वो तो इतने खुश होते, और दैट फीलिंग वाज सो ग्रेट। और ये मोमेंट उनको तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ना गाइस, बहुत इतनी बड़ी बात होती है ना यार ये सारी चीजें, जब तक फैमिली फंक्शन होता है सबसे पहले उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सबकी होना है। चलो कोई नहीं, अभी शादी पे ध्यान देते हैं और जूते पहुंचाते हैं लाटसू और दूल्हा राजा के। ओ भाई जूते छीन लिए। फाइनली गाइस, फाइनली हम ऊपर से आ गए, तो यार इट वॉज सो गुड। आज कुछ देर में विदाई भी हो जाएगी। सीन ये है कि मैं ना चश्मे नहीं लाया हूँ चेंज करने वाले, और मेरे काले चश्मे, फिर हो जाएगा अंधेरा। नहीं यार वही सीन है, रुकने के लिए यार, इसको समझाओ।
सीन बस ये है कि मैं ना चश्मे वो वाली ना अंधेरा हो गया, मेरे को लगा था कि इस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे वापस। चल देख ले अभी वहां आ गए पीछे को आ गए। अंजना चलते हैं यार, बोले कि मेरा चश्मे तो जा। तो गाइस पहुंच चुके हैं वापस स्टर्लिंग में। बड़ी मुश्किल से मैंने ड्राइव करी है क्योंकि ध्रुव ने काले चश्मे पहने हैं, काले चश्मे पहने और इस वजह से ना मेरे को ना दिख नहीं रहा। चलो मैं रेडी होना है रिसेप्शन के लिए यार, थक गए यार। तो गाइस वी आर रेडी फॉर रिसेप्शन और आपको रिसेप्शन का लुक दिखाते हैं मेरा और अंजना का। थोड़ी सी ना लाइटिंग कम है, अंजना जी तो गिर रही है। तो ये है जी अंजना का आज का रिसेप्शन लुक। ये स्पेशल साड़ी है जो हम कब से बोल रहे थे कि अंजना ने साड़ी खरीदी है, तो प्लीज़ बताएं। बाकी आपको ऊपर भी दिखेगी अच्छे से, मेरा भी अंजना प्लीज़ एक बार आप लुक दिखाए, हाउ आई एम लुकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये लो पूरा मैंने ब्लैक शूज किया है विद ब्लैक शूज आ चुकी है। चले हम थोड़े से लेट है, हां इसी चश्मे की वजह से दिक्कत चल चला दी, बाकी पैदल ही जाना पड़ रहा है गाइस। लिफ्ट आ गई थी थोड़ा। क्या बात है, दुल्हन आ गई है, दूल्हे राजा। हेलो गाइस, तुम रेडी भी हो गए? तो भाई गुड 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 गुड, भाभी जी वेलकम वेलकम, कैसे हो? क्या बात है, बनारसी साड़ी में मासी। इसकी साड़ी कैसी लगी और मैं कैसे लगा? बहुत ही जबरदस्त, अंजना थोड़ा सा चमक चमक चमक। क्या बात है, अब खा रहे थे हम स्नैक्स, बढ़िया स्नैक्स लगे हैं। मास्टर जी के साथ स्नैक्स का एंजॉय लिया जा रहा है। हाँ जी ये साड़ी कहाँ गायब हो गई थी? अरे वो मेरे को बड़े मामी ले गए थे साड़ी ना, थोड़ी जो बांधी थी ना। पर अब परफेक्ट है, लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ इन दोनों का मैच लग रहा है, ट्विनिंग थी और अभी भी ट्विनिंग है। आओ आओ लड़की मेरे को लगा आज मैं टक्कर दे रहा हूँ इसको। नहीं, नहीं, नहीं। चलो एक फोटो हो जाए। फाइनली 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 हमें एक और बंदे ने ज्वाइन किया है, किया अखिल भाई। अखिल भाई लेट हो गए काफी ज्यादा, अखिल भाई आने में पर आए, देखा जब एकदम पकड़ लिया ना सबसे पहले। लट्स भाई क्या बात है, बीच रोड में आ गई तू बीच पे। फुल पावर का आ दिया है और तूने फुल पावर डांस। क्या बात है, दूल्हा दूल्हा आते हुए हमारे यहाँ पे होनी है जी केक कटिंग, तो थोड़ा डिले हो गया है केक कटिंग में और बंदा हमारा आ गया है जिस चीज के लिए हम इतनी देर से रुक रहे थे, वो क्या है दिखाते हैं आपको। ये शैंपियन रोनी भैया, हमारे ऊपर मत गिराना, उधर उधर वन चेक।
चीयर्स। बॉटम्स अप। यहाँ पे आगे जी एमएलए साहब बिट्टू वर्मा जी, तो इनका स्वागत किया जा रहा है। नानी जी अच्छा जी, नानी तारीफ कर रहे हैं जना की ड्रेस की। तो गाइज आज दिखाते हैं आपको आज का मेन्यू क्या है। अपना पनीर है, मशरूम है, वेजिटेबल कोफ्ता है, वाह कॉर्न पालक, राजमा, स्टीम राइस, अलग अलग टाइप के राइस, फुल पावर लगाए थे। कमान कमान दुल्ला राजा है दुल्हन। आप होगी जी ग्रुप फोटो। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं वापस। मजा आ गया यार रिसेप्शन में, और ये अपनी फाइनल लुक है या। और हमने फुल पावर डांस किया, और मैंने सोचा कि है ना यार, मतलब एक भी मोमेंट ऐसा नहीं छोड़ा होगा हमने कि जिसमें हमने डांस ना किया हो। और शादी वॉज फन, बस हम यही प्रे करेंगे भगवान से कि अक्षय भाई और नेहा भाभी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, और वो इतनी खुशी से जिंदगी जिए जितनी भी अब मैरिड लाइफ है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ टू अक्षय भाई एंड नेहा भाभी, एंड आई होप कि गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। हमने कोशिश करी कि आपके साथ हम जितना हो सके पूरा शेयर किया हमने ये जो इवेंट था शादी का। बाकी करते हैं इस ब्लॉग को एंड, वी होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड देखते रहे टेक इट इजी व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।